कितनी बुकिंग्स हो चुकी हैं आपकी? हमारी तकरीबन 20 से 25 बड़े जानवर हो चुके हैं और मजीद बुकिंग अभी जारी है। बकरे का, लेले का, छतरे का क्या रेट ले रहे हैं? नमाज के फौरन बाद का रेट होता है 20 से 25 हजार। तो भजन आप लाखों रुपया जमा कर लेंगे। अब तक कितनी बुकिंग्स हो चुकी हैं आपकी? बस भाई जान कोई 20 के करीब। 20 के करीब होगी। कारीगर तो दो ही होते हैं, बाकी अच्छा सब फैसिलिटी। अच्छा जनाब, कितनी बुकिंग कर ली आपने कुर्बानी के लिए? ये हमने अभी कोई बुकिंग नहीं की, हम लोग दुकान पे बैठते हैं, बुकिंग नहीं। आप ईद वाले दिन दुकान खोलेंगे? जी हम दुकान खोलेंगे। तो लीजिए जनाब, ये है गोश्त मार्केट लाहौर की और यहाँ पर हर वक्त 24 घंटे ही तकरीबन गोश्त मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ईद वाले दिन आप अपना सारा गोश्त बांट बैठे और आपके खाने के लिए कुछ ना बचे, ईद वाले दिन भी यहाँ पर गोश्त दस्तयाब होता है। अब तक आपके पास गाहक जो है वो आते तो होंगे, क्योंकि 10 दिन तकरीबन रह गए हैं इसमें ईद आने में, कि भाईजान हमारा बकरा आपने ज़िबा करना है या जानवर ज़िबा करना है। कितनी बुकिंग्स हो चुकी हैं आपकी? हमारी तकरीबन 20 से 25 बड़े जानवर हो चुके हैं। अच्छा। और जो सा है ना 15 बड़े बकरे हो चुके हैं मेरे अब तक, और मजीद बुकिंग अभी जारी है। और जो हमारे पुराने कस्टमर लगे हुए हैं ना, पहले हम उनको यानी के करते हैं उनका काम। अच्छा। उसके बाद जो कस्टमर आए तो हम चांद रात के बुकिंग करते हैं काफी। अच्छा, चांद रात के बाद बुकिंग बंद है, जितना मर्जी कोई अजीज आ जाए आपने फिर काम नहीं पकड़ना? हाँ जी, वो माशाल्लाह एक दुकानदार के पास काम इतना हो जाता है कि 2 दिन उसको जरूरत नहीं होती है फिर। नहीं तो अभी तक आपका क्या रेट क्या निकाला मार्केट में, क्या रेट चल रहा है? अगर बड़े जानवर की बात करें उसका क्या रेट है? बकरे का, लेले का, छतरे का क्या रेट ले रहे हैं? जो होता है ना बड़े जानवर का रेट, जो नमाज के फौरन बाद का रेट होता है 20 से 25 हजार। अगर जिस तरह टाइम आगे गुजरता रहेगा तो रेट जो होता है ना कम होता रहता है, 15 हजार, 16 हजार, 17 हजार, इस तरह का रेट। यानी कि दूसरे दिन का रेट कम हो जाता है? दूसरे दिन 15 हजार रुपये बड़े जानवर का होता है और जो है ना बकरे का 4 से 6 हजार रुपये होता है। 4 से 6 हजार? हाँ जी। एक तो ये कितना टारगेट है आपका कि आपने दो दिनों के अंदर आपने इतने जानवर जो है वो ज़िबा करने हैं? मेरे पास होता है ना वो 2 दिनों में बड़े जानवर होते हैं 35 से 40 हो जाते हैं। अच्छा। और जो बकरे होते हैं ना 25 एक बकरी। ये तो भजन आप लाखों रुपया जमा कर लेंगे। तो कितनी बड़ी टीम आपने तैयार की है पहले दिन दूसरे दिन के लिए? इसमें एक तो बात है ना, इसमें मेहनत बहुत होती है। 3 दिन तो हमें उजाल लगाने में लग जाते हैं। ऊपर से हमारी 2 टीमें होती हैं, एक होती है स्लेटिंग की नहीं है, अच्छा। यानी कि वो ज़िबा करने वाली टीम अलहदा होती है। अच्छा। और हमारी गोश्त बनाने वाली टीम अलहदा होती है। हाँ। जो हमारी गोश्त बनाने वाली टीम होती है ना उसमें हम तकरीबन 8 से 9 लड़के होते हैं। भजन ये लगता है गाहक आए हैं आपके। भजन आप किस लिए गोश्त खरीदने आए हैं? नहीं नहीं जी, कुर्बानी के। कुर्बानी के लिए बुकिंग करने? जी। वाह जी वाह, गाहक आ गए जनाब। ये तो गाहक ऐसे नादल हो रहे हैं आजकल हैं? माशाल्लाह जी, वो हमारी पुरानी दुकान है, गाहक अल्लाह का शुक्र आते रहते। भजन आपने क्या करवाना है, वैड करवाना है कि बकरे छतरे? बकरे भी कराने हैं, वैड भी करवाना। कितने बकरे खरीदे आपने? 3 बकरे। 3 बकरे, वैडे कितनी आपके? 1 बकरा। 1 बकरा। ये लाहौर में इधर इलाके की रहती है? पास ही है, सबनाबाद का। तो भजन ये कितने में आपका सौदा हो गया, कितने में बकरे खरीद लिए आपने? बकरे 2.40 के आए हैं 3। अच्छा। और 1.70 का वैडा है। 1.70 का वैडा है जनाब। आ गए गाहक, 3 बकरे 1 वैडा, कितने पैसे फिर इनसे लेने आपने? तो आपने किस टाइम करवाने हैं ज़िबा? आपने ये करवाने हैं नमाज के बाद। एक बकरे का पहले दिन नमाज के फौरन बाद है 7 हजार रुपए, और गाय का है 25 हजार रुपए। अब बहन 7 हजार मांग रहे हैं बकरे का, तो 21 हजार रुपया बकरों का, और जनाब 25 हजार गाय का। 25 हजार गाय का, इतने का तो एक बकरा ले लें हम। तो फिर जनाब बकरा तो ले लेंगे, उसको ज़िबा नहीं करना। तो यही कह रहा हूँ कि कोई मुनासिब करे भजन, कोई मुनासिब करे। 3 बकरे 1 बैठ। भजन वही बात आपको बताई ना, हम प्रोफेशनल कसाई हैं, काम अच्छा करते हैं। हमने एक एक चीज़ अलग अलग करके बना कर देनी है। ये नहीं करना कि चाँप किधर है, पुट किधर है, गर्दन किधर है। हमने कस्टमर को बताना होता है भजन ये आपकी चाँप आ गई, गर्दन आ गई है, ये सीना है, ये रान है, ये दस्ती है, ये गर्दन है, फर्स्ट क्लास करके बना कर देना है। और नहीं भजन तुम कोई ऑफर करवाओ ना इन्होंने, भजन चर्बी सारी थोड़ी, पावे थोड़े, सिरियां थोड़ियां, फिर किन्ने पैसे? बकरे का ज्यादा है, 3 हजार का कर लें। 3 हजार रुपए? मेरी बात सुने ना। हाँ। 2300 रुपए किलो बकरे का गोश्त है। अच्छा। अब ये सिर्फ 1000-2000 की खातिर जो है ना अपना बकरा ये खराब करवा लेंगे। हाँ। फिर इन्होंने अपने रिश्तेदारों को दिखाना है कि भजन चांपे नहीं बनी, पूंछ नहीं बनी, गर्दन नहीं बनी, वो सारा वो सारा कुछ ही वो हड्डियां टूट के बीच में आती, दांतों में फंसती हैं, बड़ी तकलीफ होती रिश्तेदारों को। फिर भजन गोश्त तो साफ सुथरा होना चाहिए है? और किसी के घर जाए मजा आए जनाब, ऐसे कोई रान शान आपने गिफ्ट करनी हो रिश्तेदारों को, अपने ससुराल भेजनी हो, ऐ फर्स्ट क्लास की रान तैयार हो, क्या ख्याल है? 6 हजार कर दिया, कितना का मुनासिब करे ना, आप भी कुछ बढ़ाए। चले 4 कर ले। 4 भजन ठीक है,
नहीं चार ये जोनसन है अन्नाड़ी कसाइयों का रेट है जो प्रोफेशनल कसाई है ना, ये भजन खिलाड़ी भी है और खानदानी भी है, इनका बखरा रेट है। अब बताएं बीज का कोई रास्ता निकाले, बुकिंग करवाएं जनाब और जाएं आराम से स्कूल से। पांच कर लें बकरे का, पांच कर लें भजन, पक्के गा के रेगुलर गा के आपके। चले ठीक है, ये तो हमारे पक्के गा के, हमारे से गोश्त वगैरह भी खरीदते हैं ये इनके लिए, बस पांच में फिक्स हो गया। चले पांच थी ये 15, तीन बकरों का जनाब ये जो खानदानी कसाई है वो लेंगे, फर्स्ट क्लास गोश्त बनाएगा, जबरदस्त किस्म की खाल उतारी जाएगी आपकी, आपकी आपकी भी खाल उतारी जाएगी और जनाब अच्छा बड़े जानवर का फाइनल क्या कह गया आपने? बड़े हजार का 22,000 रुपए। बड़े लो जी 22, ठीक है आप 15 कह रहे हैं, 15 तो बहुत कम, 18 कर लें इसका। लो जी 18, पिछली दफा 17,000 रुपए दिए इन्होंने मुझे, हजार ज्यादा, और साथ इन्होंने आपने इनको कोक की बोतल भी बड़ी पिलानी, कोक की बोतल भी, नाश्ता भी करवाएंगे। वाह जी वाह, ठीक हो गया जनाब, जबरदस्त हो गया। ले जी ये होता है कि आप वक्त से पहले आप अपनी बुकिंग कर ले, आपकी परेशानी खत्म हो जाती है, आप सुकून से अपने जानवर खरीदे, घर बांधे, उनकी खिदमत करें और ये फिर कसाई जो है अपने टाइम पर पहुंचेंगे, आपके जानवर अच्छे से जिबा करेंगे और आप फरीजा जो है कुर्बानी का वो अदा कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, किसी और से बात करते हैं जनाब। ये है लाहौर की मशहूर मारूफ गोश्त मार्केट और यहाँ पर जितने भी कसाब बैठे हुए हैं सारे खानदानी हैं और कोई भी यहाँ पर फसली बटेरा नहीं पाया जाता है, खानदानी तौर पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ एक और कसाब मौजूद है, सर की ना की थोड़ा? मेरा नाम अल्ताफ भाई। अल्ताफ भाई वो कराची वाले? नहीं नहीं लाहौर वाले। वैसे आपकी शक्लो सूरत भी उनसे मैच करती काफी, लाहौर मटन। अच्छा ये लाहौर मटन वाले जनाब अल्ताफ भाई है। अल्ताफ भाई मुझे बताइएगा कि ईद नजदीक आ गई है, अब तक कितनी बुकिंग्स हो चुकी हैं आपकी बकरों की और बड़े जानवरों की? बस भाई जान कोई 20 के करीब, 20 के करीब, 20 के करीब होगी। तो नहीं तो क्या रेट क्या निकाला आपने इस दफा बकरे का, कितना ले रहे हैं आप जिबा करने का पहले दिन? बकरे का तकरीबन 5-6 हजार रुपए। 5-6 हजार, और इसमें कोई गुंजाइश भी है कि कोई अगर ज्यादा जानवर हो तो फिर से टाइम के हिसाब से? अच्छा फिर अगर पैसे काम करने हैं फिर टाइम आगे कर देंगे आप, टाइम आगे। ठीक है, बड़े जानवर का क्या रेट ले रहे हैं आप? बड़े नहीं बकरे काट रहे हैं। आप सिर्फ बकरे काट रहे हैं, तो कितनी बड़ी टीम तैयार की है आपने? 6-7 लोगों की टीम होती है। वो सारे अपने रिश्तेदार ही हैं कि शागिर्द भी पकड़े हैं, कोई बाहर से भी बंदे पकड़ लेते हैं? कारीगर तो दो ही होते हैं बाकी। अच्छा सब फसली बटेरे। अच्छा वो टोका चलाने वाले होते हैं। जनाब वक्त कम और मुकाबला सख्त है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जानवर टाइम पर जिबा हो, टाइम पर गोश्त तैयार हो, तो टाइम पर ही मार्केट में आए, कसाब जो बैठे हुए हैं उनके साथ बुकिंग करें, क्योंकि इन्होंने ईद से कुछ दिन पहले बुकिंग भी अपनी बंद कर देनी है। आगे बढ़ते हैं, किसी और से भी बात करते हैं। लीजिए जनाब गोश्त मार्केट के अंदर मौजूद है और यहाँ पर एक और कसाई हमारे साथ। जनाब कितनी बुकिंग कर ली आपने कुर्बानी के लिए? जी हमने अभी कोई बुकिंग नहीं की, हम लोग दुकान पे बैठते हैं, बुकिंग नहीं कर। आप ईद वाले दिन दुकान खोलेंगे? जी हम दुकान खोलेंगे। वो सारे हर बंदे के पास गोश्त खुद ही पहुँच जाना है, हर बंदे ने कुर्बानी तकरीबन करनी होती है, तो आपसे गोश्त कौन लेगा फिर? हम इधर दुकान खोल के बैठते हैं, कीमा वगैरह निकालने आते हैं। अच्छा 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 अच्छा, वो पाए लोग तैयार करवाते हैं, कीमा बनवाते हैं, पाए बनाते हैं, कीमा तैयार करते हैं। जनाब जबरदस्त हो गया, ईद वाले दिन ये भी ऑप्शन मौजूद है इस मार्केट के अंदर कि आप जनाब आए, पाए लाए या कीमा लेके आए, वो आपको तैयार करके दे देंगे, गोश्त का कीमा बना देंगे। आगे बढ़ते हैं, किसी और से बात करते हैं। भाई साहब मुझे बताइएगा कि कितनी बुकिंग आपने कर लिया ईद के लिए अब तक? तकरीबन 50 बकरे कर लिए। 50 बकरे, तो क्या गागों को रेट दे रहे हैं आप? 5,000 रुपया प्रति बकरा। 5,000, बड़ा मुनासिब रेट रखा हुआ, ये तो पिछले साल भी यही था तकरीबन। बस महंगाई है इसलिए हमने कहा चलो लेस कर दें। अच्छा तो किसी के अगर जानवर 5-7-8 हो उसको कोई कंसेशन भी करते हैं कि नहीं? नहीं वो ही रेट एक ही है 5,000। ये 5,000 का रेट जो आपका पहले दिन का दूसरे दिन का? पहले दिन का। पहले दिन का, दूसरे दिन तो रियायत होती है, तो उसका क्या? दिन का 4,000 रुपए। जबरदस्त हो गया जनाब, और ये सहूलत सिर्फ उसके लिए है कि जो आपसे एडवांस बुकिंग करवा ले? हाँ जी हाँ जी। जबरदस्त होगा जनाब, अगर आप अपनी टेंशनों से बचना चाहते हैं और आप कसाईयों के पीछे पीछे फिरने से बचना चाहते हैं तो आप एडवांस में आए, ये खानदानी कसाब है, बेहतरीन गोश्त बनाते हैं, वक्त से पहले जनाब आप बुकिंग करवाएं, एडवांस बुकिंग करवाएंगे तो फिर आपका काम हो जाएगा आसान और आप कुर्बानी भी आराम से कर लेंगे, गोश्त भी फटाफट बन जाएगा, आप भी खुश, आपके रिश्तेदार भी खुश और पूरा अहले इलाका भी खुश जिनके घर जाएगा गोश्त, क्योंकि ये प्रोफेशनल तरीके से गोश्त को तैयार करते हैं, एक एक बोटी जो है वो प्रोफेशनली तैयार होती है, कोई उसमें किरक नहीं होती, कोई हड्डियां नहीं टूटती हैं। तो जनाब पहले आए पहले बाएं। इसके साथ ही अपने मेजबान मनान गिलानी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।